असलकम साइंस uh, का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लिहाजा हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं सबसे पहला आपके पास है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यानी चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपने सही जवाब मंतख करना है पहला है आपके पास द सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स मैसेज अमंग वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनमें जो कम्युनिकेशन का काम करती है वो सिस्टम क्या कहलाती है डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स या ए बी सी तो आपको मालूम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीनों मौजूद है लिहाजा आपका ऑप्शन डी आंसर होगा ए बी सी नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी ऑर्गन आई स्टमक लीवर या हर्ट आई आपका आंसर होगा ऑप्शन ए द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किडनी का जो सबसे बुनियादी काम करने वाले यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाता है लिहाजा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा आपके पास गैर इरादी तौर पर काम होता है ईटिंग फूड ड्रिंकिंग वाटर या ट्रिस्ट्रोल स्ट्रोल का मतलब है चहल कदमी करना ये तीनों आपके पास है कि आप खुद से करते हो लेकिन एक ऐसा काम है जिसपे आपका इख्तियार नहीं है वो ब्रीथिंग है ये आपका आंसर हो, होगा ऑप्शन सी उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन है फ, आ, फाइबर कमिंग आउट ऑफ सेल बॉडी इज इस स्कॉल इसका आंसर होगा डेंड्राइड पॉन्स कंट्रोल द स्वेलंग ऑफ फूड एंड सेंस ऑफ टेस्ट देअर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व इन ह्यूमन बॉडी द ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर्स इन रिनल मेडुलर आरकॉल्ड रिनल पायरामिड्स या पेरामिड्स इसका आंसर होगा मीडियम साइज स्टोन इन किडनी इज एक्सपेल्ड बाई जो दरमिया साइज के पत्थर होते हैं वो गुर्दे से लीथोट्रिप्सी के जरिए खारिज किया जाता है जो हमने पूरा इसका पढ़ लिया था सिस्टम में उसके बाद है मार्क फॉर ट्रू चिक आपने ट्रू के लिए और क्रॉस का निशान फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लगाना है द ब्रेन इज इंक्लॉस्ड इन स्कल दैट इज कॉल्ड क्रेनियम बॉक्स ये ट्रू है उसके बाद एक सेरिब्रम इज लोकेटेड बिहाइंड द सेरिबेलम ये फॉल्स है द एक्शन कैरीड आउट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन ट्रू ईच किडनी इज अबाउट सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग थ्री सेंटीमीटर वाइड एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर थिक फॉल्स पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस आर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड ये आपके पास ट्रू है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास है मैच द कॉलम आपने मैच करना है रिसेप्टर्स आपके पास वो तमाम चीजें हैं जो कि इम्पल्सिस को हासिल करती हैं यानी इसका आंसर होगा ये थ्री में आप इसका मैच करेंगे थ्री के साथ सेल्स दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम इम्पल्सिस इफेक्टर्स जिसको आपने रिस्पोंडर्स का भी नाम दिया था वो है आपके पास मसल्स एंड ग्लैंड इसको आप इसके साथ मैच करेंगे सेंसरी और ऑर्गन आपके पास छह है स्किन एयर टंग आई नोज जिसके जरिए आप सेंस करते हो किसी चीज को महसूस करते हो किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है किस चीज़ के एक्सक्रीशन का वेस्ट मटेरियल का तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल किडनी का आंसर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है तो लिहाजा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसका आंसर होगा अब है आपके पास डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग और इसका नंबर वन है आपके पास वॉलेंट्री एंड इन वॉलेंट्री एक्शन इनका आंसर आपके पास हो जाएगा पेज नंबर एट पे जहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन लिखा है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एट्सट्रा तक आपका वॉलन्ट्री एक्शन का आंसर होगा और इसी तरह पेज नंबर नाइन पे इन वॉलेंट्री एक्शन के जहाँ पे लिखा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ तक आपका इन वॉलेंट्री एक्शंस का आंसर हो जाएगा यानी यहाँ पे आपने इन वॉलेंट्री और वॉलन्ट्री एक्शंस के डिफ्रेंशिएट uh, आपने कर लिए है डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू नंबर टू आपको दिया हुआ है न्यूरोन एंड नर्व अब सबसे पहले अगर नर्व की हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन मैंने लिखा है ये आप लिखेंगे नर्व क्या होती है नर्व इज अ बंच ऑफ एग्जॉन्स विच आर पार्ट ऑफ न्यूरो न्यूरो में आपने पढ़ा था कि उसके uh, तीन जो है वो पार्ट्स होते हैं डेंड्राइड्स है उसके बाद सेल बॉडी है उसके बाद एग्जॉन्स है तो ये एग्जॉन्स का जो बंच है वो नर्व है जो कि पार्ट ऑफ न्यूरॉन है ठीक है अब इसके लिए नेक्स्ट जो आपके पास न्यूरॉन है वो है पेज नंबर टू पे न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम ये दोनों में डिफ्रेंशिएट है यानी कि न्यूरोन नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी फंक्शनल यूनिट है आप वो कह सकते हैं कि न्यूरॉन है। नंबर थ्री आपके पास है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम के लिए आप आएंगे पेज नंबर फाइव पे जहां पे लिखा है फोरब्रेन uh, इसका सेकेंड लाइन के तकरीबन लास्ट से द सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यहां से आप स्टार्ट करेंगे यहां तक कि थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग यहाँ तक आपका सेरिब्रम को हो जाएगा और इसी के नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर सिक्स पे जहाँ पे हाइंड ब्रेन लिखा है उसके सेकंड लाइन से सेरिबेलम इज लोकेटेड बिहाइंड द सेरिब्रम यहाँ से लेके आपने कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स तक लिखना है ये आपके पास हो जाएगा सेरिब्रम एंड सेरिबेलम की डिफ्रेंशिएट नंबर फोर में आपको दिया है पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस पेज नंबर फिफ्टीन पे आपके पास पेरिटोनियल एंड हेमोडायलिसिस लिखी हुई है उसमें से दोनों को क्यों सिर्फ क्योंकि आपने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे इन दिस मेथड पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए यहाँ से दिस मेथड स्टेरायल डायलिसिस इज डिस्पम्प इनटू पेरिटोनियल कैविटी अंडर प्रेशर यानी इस मेथड में पेरिटोनियल कैविटी में स्टेराइल डायलिसिस फ्लूड जो है वो पंप किया जाता है ताकि जितने भी मतलब वेस्ट मटेरियल है वो डिस्चार्ज हो जाए और इसी तरह हेमोडायलिसिस में जो ब्लड होता है पेशेंट का वो डायलाइजर के थ्रू डायलाइजर के अंदर से यानी जो मशीन होती है उसके थ्रू पास किया जाता है ताकि वो ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाए तो यहाँ से होगा इन दिस मॉडर्न मेथड यहाँ से होगा कॉल डायलाइजर यहाँ तक आपके पास हेमोडायलिसिस का आंसर हो जाएगा लास्ट वन है आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि लास्ट वन है इसका आंसर आपके पास है ब्रेन के लिए सबसे पहले आप पेज नंबर फोर पे आएंगे यहाँ पे लिखा है ब्रेन ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पेज नंबर फाइव पे जहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द ह्यूमन बॉडी यहाँ तक आपका ब्रेन का आंसर होगा और इसी तरह पेज नंबर सिक्स पे स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का आप स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक के ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड का आंसर हो जाएगा और दोनों इजीली डिफ्रेंशिएट भी हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नंबर वन है राइट द नेम्स ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आंसर में द नेम्स ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन तीनों आपने लिखना है वट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरोन इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर थ्री पे सेंसरी न्यूरॉन जहाँ पे लिखा है टू लाइंस का इसका डेफिनेशन है ये आपने क्वेश्चन नंबर टू शॉर्ट के लिए इसका आंसर लिखना है तो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये आपका नंबर टू शॉर्ट है नंबर थ्री में आपको दिया है वट इज मीन्ड बाय वॉल्ट्री एक्शंस इसके लिए आप पेज नंबर सेवनटीन पे जहाँ पे आपका सेकेंड की पॉइंट लिखा हुआ है द बॉडी एक्शन डेट आर परफॉर्म विध फ्री कॉल वॉल्ट्री एक्शन यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा शॉर्ट का इसी के साथ नंबर फोर है आपके पास राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीजेस ऑफ अडनी आप लिखेंगे द नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ अडनी आर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स एंड रेनल फेलियर यहाँ पे इसका आंसर होगा लास्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चन uh, में से राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफरॉन आप लिखेंगे आंसर में द नेम्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफरन आर रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्रिब्यूल अगर आपको यहाँ पे आ, सही तरीके से इनकी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो आप जहाँ पे आपकी इसी चैप्टर में लिखा हुआ है वहाँ पे जाके आप अपने लिए सही आ, जो इनकी स्पेलिंग है वो लिख अपना काम कर सकते है अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके पास है डिस्क्राइब द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इसका आंसर आपके पास पेज नंबर टू पर है यहां से आप स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम इसके दो जितने भी हेडिंग है वो भी आपने देना है और यहां तक आपका आंसर होगा के पार्ट टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यहां तक बॉडी तक आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम इसका आंसर आपके पास यहाँ पर है पेज नंबर सेवन पर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू अ मॉडल यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पेज नंबर एट के जहाँ पे डू यू you नो know लिखा है इससे थोड़ा ऊपर यहाँ तक कॉल्ड इफेक्टर्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सप्लेन द ह्यूमन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ह्यूमन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास पेज नंबर सिक्स पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और आपका आंसर पेज नंबर सेवन के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के आखिर तक के है जहां पे लिखा है मसल्स ऑफ बॉडी ऑर्गन यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बताया है कि एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम इसका आंसर आपका पेज नंबर ट्वेल्व पे है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है और डायग्राम भी दिया हुआ है यह आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको पूछा गया है दो क्वेश्चन नंबर वन है ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम नंबर वन के लिए आपने सिर्फ ये डायग्राम ड्रा करना है किडनी के जितने भी ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम है वो आपने सिर्फ ये डायग्राम ड्रा करना है ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इसी का सेकंड बताया गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पेज नंबर ट्वेल्व से डायग्राम भी आपने ड्रा करना है अपनी इजीली के लिए या आप यानी क्वेश्चंस को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा पेज नंबर थर्टीन के फंक्शन ऑफ किडनी से ऊपर जहाँ पे लिखा है डट्स ओपन इन रेनल पेल्विस यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकेंड पोर्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको तीन सवाल पूछे गए हैं नोट्स आपने लिखना है रिफ्लेक्स सेक्शन पे नंबर वन है इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर नाइन पे जहां पे लिखा है रिफ्लेक्स सेक्शन और एक पैराग्राफ का आपका आंसर रिफ्लेक्स सेक्शन पे नोट हो जाएगा ऑप्शन बी में पूछा है कि रेनल फेलियर पे आपने एक नोट लिखना है इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर फोर्टीन पे रेनल फेलियर का जो एक पैराग्राफ का आपका आंसर दिया हुआ है यहां तक आपने इसका आंसर इसके लिए नोट्स लिखना है यह आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकेंड पार्ट हो जाएगा अब इसी में आपको नंबर थ्री दिया हुआ है डायलाइजर डायलाइजर पे आपने नोट्स लिखना है इस सफ़े से देख के आप अपने लिए नोट लिख सकते हैं यानी डायलाइजर को आप आर्टिफिशियल किडनी वे कह सकते हैं जो अगर किसी भी पेशेंट की किडनी ख़राब हो जाए तो इस डायलाइजर को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उसके ब्लड में से जो फाजिल मादे हैं वो निकाला जा सके और इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है